मफाद में है उसको हम लेके चलेंगे, और जो मिलिट्री सोल्यूशन की जो बात करते हैं, और ये भी अमरीकनों ने कहा कि हम अपना जो वी डू नॉट वॉन्ट टू इंक्रीज आर फुटप्रिंट, यानी कि जो हम अपने जो भी प्रेजेंस है अफगानिस्तान में उसको हम बढ़ाना नहीं चाहते जिस हद तक वो है। तो बाकी हमने कहा कि ये अपना वो बताएं अपना विजन क्या है, अमरीकनों का क्या चाहते हैं। तो क्या अमरीका अब जंग तो नहीं लड़ रहा, मैंने उनको कहा कि ज़ाहिर है कि जो उनकी फ़ौज है 14,000-16,000 वो लड़ाई के लिए तो नहीं है, और उनके जो अड्डे हैं वो किसी और मकसद के लिए हैं। ये मेरा हमने राय जो कमेटी ने दी कि क्या वो नज़र रखना चाहते हैं हम पर, कहते हमने उनको कहा है अमरीकनों को कि अपना विजन शेयर करें कि आपके आइंदा क्या इरादे हैं मकासद हैं अफगानिस्तान में। तो वो कहते हैं मैं उन्होंने दावत दी है मुझे कि आप जाएँ आएँ वाशिंगटन, और वो कह रहे हैं कि सितंबर ही में उन्होंने जाना है यूएन जनरल असेंबली, पहले वो काबुल जाएंगे फिर वो जाएंगे, और अगले हफ्ते भी 8 तारीख को चाइना के वजीर खारजा आ रहे हैं, फिर 14 को तुर्की के वजीर खारजा आ रहे हैं, तो उसके बाद ये सारा सिलसिला होगा। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि अच्छी मुस्बत बात हुई, हमारे कोई 9 सैनिटर्स मौजूद थे, हर एक ने अपनी अपनी राय दी तफसीली और बड़ी आराम से, और इसमें एजेंडा में भी देखा होगा आपने लिखा होगा मैंने कि ब्रीफिंग और इंटरेक्टिव डिस्कशन थी, वन वे नहीं था कि आप ये आप उनके सुनने के लिए आए हैं और हमारे तरफ से, और हमने कहा कि हम अपना इनपुट भी देते रहेंगे। ये 9 सेनेटर मुख्तलिफ जमातों से थे या मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ सूबों से? कमेटी इस ब्रीफिंग से